हेलो स्टूडेंट, मुँ समस्त को मो यूट्यूब चैनल लर्न ओडिशा को स्वागत जनाऊँ। एंड आज बहुत ही इम्पोर्टेंट गोटे चैप्टर आम डिस्कसन करवा। आम समस्ते जाणी आपको एसओ आसुची और एसओ दृष्टि यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट। आम चैप्टर कॉन्सेप्ट तार सर्टकट आम केमी सब डिस्कसन करवा सांगे सांगे। लास्ट दि वर्ष जो दुईटा एसओ 2015 एंड 2018 एसओ रे जो क्वेश्चन सब आसाला ये चैप्टर आम भी डिस्कसन करवा। तो चैप्टर है आज साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन। तो साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन को बुझा पूर्व फास्ट आम खाली लिनियर इक्वेशन आम कौन बुझीजा जे देखा जदि कौन सी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन रे जो इक्वालिटी सिंबल आसुची इक्वल सिंबल आसुची विथ ए वेरिएबल देन दैट एक्सप्रेशन इज जनरली कॉल्ड एज एन इक्वेशन। जमी मुझे 3x प्लस 4 इक्वाल टू 0 ये गोटे इक्वेशन हो गला। मे आम लिखिपर मे भी 5x प्लस 9y माइनस 6 इज इक्वाल टू 0 दिस इज अल्सो इक्वेशन। एंड ये दीटा भितर डिफरेंस कौन दीटा भितर डिफरेंस या कि एथेरे गोटे ही वेरिएबल अच्छी एथेरे दीटा वेरिएबल तो एथिरु आम ना दे पारिबा दिस इज ए लिनियर इक्वेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। लिनियर मीनिंग एम लिनियर नौजे एटी जो वेरिएबल यूज हो तार डिग्री 1 अच्छे। नेक्स्ट आम क्वाड्रेटिक भी पढ़ा जार पावर की 2 थी एटी दीटा वेरिएबल यूज हो सो दिस इज ए लिनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आम कहीपर। तो ये जो लिनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल जनरल फॉर्मेट एक्चुअली मुझे लिखीदी एएक्स प्लस बी सॉरी यहाँ दिस इज एएक्स इक्वाल टू बी और एएक्स प्लस बी इक्वाल टू 0 माने इताकु जदि आमे चाहिबा लेखि पारिथंदे कौन 3x विल बी इक्वाल टू माइनस 4 सो दिस इज द एंड इज इक्वाल टू दिस वन। कंडीशन एटि कौन जे ए 0 हबा कथा नहीं कौन पई ना इक्वेशन रे गोटे वेरिएबल रहिबाटा मिनिमम क्राइटेरिया। तो जदि एताकु जदि आमे 0 जदि कर देले सो दिस इज 0 इनटू एक्स इक्वाल टू 0 सो 4 इक्वाल टू 0 व्हिच इज रॉन्ग। तो ये से कंडीशन अच्छी कौन ए इक्वाल टू 0 सॉरी नॉट इक्वाल टू 0 एंड ए एंड बी आर रियल नंबर हवा कथा रियल नंबर को आम समस्ते जाणीजे। जो दुईटा वेरिएबल यूज हम एक्जाक्ट सेमती 5x प्लस 9y इक्वाल टू भी 6 लिखिपारि 5x प्लस 9y माइनस 6 इक्वाल टू भी 0 लिखिपर। तो तार जनरल फर्माट या एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वाल टू 0 लिखले भी चलो एक्स प्लस बी एक्स एक्स प्लस बी वाई इक्वाल टू सी भी वेरिएबल एक्स वाई ए भी कांस्टेंट ए बी सी बट दे सुड बी रियल नंबर ए आउ बी। तो ये जो वेरिएबल जो कोफिशिएंट जो वेरिएबल जो एक्स आउ वाई से जीरो हवा कथा नहीं कौन पर सी जदि जीरो है इक्वेशन रो वेरिएबलटा भेनिश कर। सो दिस इज लिनियर इक्वेशन ऑफ द 1 वेरिएबल एंड दिस इज 2 वेरिएबल दिस इज वेरी इंपोर्टेंट। मुझे गोटे इंपोर्टेंट जिनस कहना चाहिए क्वेश्चन से बेले बेले एक्चुअली मेनसन भी करदेपे कौ जगार तो आम से कन्फ्यूजन होगा ना। ये जो ए इक्वाल टू 0 एंड बी इक्वाल टू सॉरी ए इज नॉट इक्वाल टू 0 एंड बी इज नॉट इक्वाल टू 0 को आम टुगेदर जो लिखा चाहिए गोटे इक्वेशन रे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉट इक्वाल टू 0 लिखिदेले भी चलो कौन यहाँ चलो ना आम जाचे दीटा संख्या मिसले जदि 0 हो तो दीटा भितर गोटे नेगेटिव है गोटे पॉजिटिव होगाटा जरूरी। ता संगे संगे आम जाचे एमती कौन सी भी रियल नंबर ना जार स्क्वायर की गोटे नेगेटिव नंबर हे दिस रिजल्ट मस्ट बी पॉजिटिव। तो दीटा पॉजिटिव संख्या मिसले जदि मु 0 करिया पई कहिबी ताले ये सब बेले रॉन्ग हे बट दीटा नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हेले 0 हे ताले पॉजिटिव आउ पॉजिटिव केबे 0 हि पारिबो नाही। जदि मु पॉजिटिव पॉजिटिव 0 करिया पई चाहिबी ताले ये सब रॉन्ग हे बाकी एटी गोटे मुझे नॉन नेगेटिव नंबर बसे पारी दीटा नेगेटिव मिसले 0 हेनी सो दे मस्ट बी 0 प्लस 0 दीटा पॉजिटिव मिसले पॉजिटिव इंटीजर मिसले 0 हेनी दैट मीन दीटा नॉन नेगेटिव इंटीजर आमको मिसाइबा भी पड़ो बिकज गोटे नेगेटिव गोटे पॉजिटिव हेले चलो बाकी मुँह कौन कौन ना ये नेगेटिव इंटीजर आम बसे पारानी दैट मीन दुईटा मत नॉन नेगेटिव इंटीजर दरकार बिकज ये भी गोटे पॉजिटिव ये भी गोटे पॉजिटिव स्क्वायर के भी नेगेटिव हेनी ताले दीटा पॉजिटिव मते मिसेबार अच्छे
तो दीटा पॉजिटिव इंटीजर आम मिसा बट पॉजिटिव दीटा इंटीजर मिसले तो जीरो एक्चुअली कहीं भी हेनी ये से तो कही ना नन दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो तो नेगेटिव प्लस पॉजिटिव हेले जीरो एक्चुअली हेब बट पॉजिटिव पॉजिटिव जितने मिसब के जीरो हो पारे सो दैट मीनस ए स्क्वायर भी गोटे पॉजिटिव नंबर बी स्क्वायर भी पॉजिटिव से नॉट इक्वल टू जीरो कही जदि जीरो जदि हो जाए जदि जीरो जदि कहीदेली जीरो तो ये भी ये नेगेटिव नो ये भी नेगेटिव नो दिस मीन दिस इज नॉन नेगेटिव दिस इज नॉन नेगेटिव माने ए जीरो जीरो ही हेपाई बाध्य बट कंडीशन कौन कौन ए शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो तो ये एक्चुअली हवा कथा ना मोर आशा कि बुझेदेवे कौन मुझे कहली तो ये दुटा नॉन नेगेटिव इंटीजर हवा कथा दैट मीन दे मस्ट बी जीरो जदि जीरो पड़ो तो जीरो जदि होगा माने आम ए कन्फर्म एटा एलजेब्रा भी आम पढ़ा इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो देन ए प्लस बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो बट से जीरो हवा कथा नहीं कौन से आम कंडीशन भी अप्लाई करी परिवा ए दीटा को टुगेदर ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड बी इज नॉट इक्वल टू जीरो को आम जब टुगेदर गोटे लाइन रे लिखापी चाहिए देन व्हाट विल बी दैट इक्वेशन दैट विल बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो ओके सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट स्लाइड एबे साइमल्टेनियस इक्वेशन रो सिस्टम ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन कौन आम देखिले ये तले जोटा देखिए दुटा भेरिएबल वाला इक्वेशन जनरल फॉर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो जदि मु गोटे पेयर नेली दुटा इक्वेशन ने भी, तो दुटा को तो आम एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिखिपरबानी तो दुटा को डिस्टिंक्ट करने आम वन एंड टू यूज करवा बेस्ट ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो जदि गोटे पेयर अफ इक्वेशन को साइमल्टेनियसली कंसीडर कली देन दैट पेयर अफ लिनियर इक्वेशन अफ टू वेरिएबल इज नोन एज द साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन अफ द टू वेरिएबल ये कंडीशन पुणी देख सी हिं दे कौन दे ए वन बी वन सी वन ये केवे तो जीरो हो पारे ना ए वन बी वन ए टू बी टू ये केवे भी जीरो हो पारे ना तो से भाया लिखी दे वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो आम कौन देखीदे से आम देखिले ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू जीरो तो ये जगह एक्चुअली कही वन टू जेहतु आम बेस यूज करे दैट मीन दिस इज ए वन स्क्वायर प्लस बी वन स्क्वायर शुड नॉट इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इक्वेशन में आम कंडीशन लिखीजे कौन ए टू स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो सो आई थिंक समस्त क्लियर होते हैं एम आपको एवं बढ़िया आम एट छोट दिन टू पढ़ी पढ़ी आसीजे जे लिनियर इक्वेशन सॉल्यूशन मुझे जस्ट टे हिंट देखिए फास्ट एक्चुअली बतई दूँ जितेबले आम कहे थ्री एक्स इक्वाल टू नाइन तो ये मुझे एक्स इक्वाल टू के पारि थ्री एंड दिस इज नॉन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट मीनस गोटे इक्वेशन रे यूज होता वेरिएबल जो वैल्यू बाहर जोटा कि इक्वेशन को सैटिस्फाई कर दैट वैल्यू इज नॉन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन जदि कौन सी जगह मुझे फोर एक्स प्लस नाइन इक्वाल टू ट्वेंटी फाइव लिखिली इट इम्प्लाय दैट फोर एक्स विल बी इक्वाल टू के पचीस माइनस नौ इक्वाल टू षोह एक्स इक्वाल टू फोर दिस एक्स इक्वाल टू फोर इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन तो सॉल्यूशन आम कौन बुझीगले जिते बड़े दुईटा वेरिएबल वाला कथा उठुची लेट थ्री एक्स प्लस वाई इक्वाल टू अठर ये दुईटा वेरिएबल यूज दुईटा वेरिएबल कौन कौन गोटे एक्स आ गोटे वाई ताले एठी मु कोई पारी एक्स आउ वाई रो जो वैल्यू दैट पेयर रो वैल्यू विल बी नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन मे बी एक्स रो वैल्यू पाँच वाई रो वैल्यू थ्री हो पारे मे बी एक्स रो वैल्यू फोर वाई रो वैल्यू सिक्स हो पारे पुट कले जना पड़ी देखो तीन पंजा पंद्रह प्लस तीन अठर तीन चौ बार प्लस छः अठर एमती बहुत वैल्यू आम पुट कर पारा तो जिते बड़े ये एक्चुअली गोटे ही इक्वेशन अच्छे से एक्स वाई रो वैल्यू आम एक्चुअली निजे ही तमें अप्लाय कर पारे बट जितेबले गोटे पेयर अफ इक्वेशन आसटा कि सबुठ इम्पोर्टाट गोटे पेयर अफ इक्वेशन मनकर आसीगला मुझे लिखिपारि लेट इक्वाल टू यहाँ कनसीडर करूँ थ्री एक्स प्लस वाई विल बी इक्वल टू सिक्स एंड एक्स माइनस वाई इक्वाल टू टू
ताले मते ए दीटा इक्वेशन पे इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू पे मुझे एबे निजे वैल्यू पुट कर पारि नहीं मुझे निजे पुट कर दूसरी एक्स को पाँच नहीं जाऊ हिसाब कर वाई को थ्री एक्स मु फोर नहीं गली वाई को सिक्स कौन पाई ना जितकीटा वेरिएबल वाला इक्वेशन नवा मते सॉल्व करिया में सेतकीटा इक्वेशन दरकार मुझे दुईटा वेरिएबल वाला इक्वेशन नौजी दैट मीनस एक्स एंड वाई रो वैल्यू बाहर करिया में मते दुईटा इक्वेशन मिनिमम दरकार ए सब डिटेल्स आम एक्चुअली पढ़ा एलजेब्रा रे सॉरी तो दिस इज थ्री एक्स प्लस वाई तो ये दुईटा को आम सॉल्व कला परे एक्स आउ वाई रो जो वैल्यू बाहर दैट विल बी नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन माने गोटे इक्वेशन सॉल्व कर माने रो मीनिंग कौन से जो वेरिएबल माने यूज होते से तार रिजल्ट बाहर करवा आम छोट दिन टू स्कूल भी पढ़ी पढ़ी आसी मेट्रिक रे यही इक्वेशन सॉल्व करिवार तीनटा एक्चुअली प्रोसेस अच्छे तीनटा मेथड्स अच्छे आम कही पार मु खाली एक्सप्लेन करें डिटेल्स आम अलरेडी पढ़ीजे ओडिया रे मु कही देउची गोटे आम पढ़ी प्रतिकल्पन दैट इज द मेथड ऑफ द सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन एनादर वन इज द अपसारण पद्धति आम पढ़ुले मेथड ऑफ द एलिमिनेशन एनादर इज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन पद्धति तीन टा पद जहाँ को डिटेल जानवर अच्छे लिनियर इक्वेशन कौन साममल्टेनियस लिनियर इक्वेशन कौन सब सल्यूसन एक्चुअली केमी बाहर य मेथड सब डिटेल एक्चुअली मुझे तले लिंक देखिए क्लिक कर देखिपारे बहुत डिटेल पूरा लिखा है तार डेफिनेशन ये सब डेफिनेशन लिखा है मुझे जहाँ कहूँ ताको पूरा टेक्स्ट हिसाब से लिखा है जी जदि आम सर्टकट जदि तीन टू खोजा समस्ते चेष्टा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन केवल एथिरे भी नहीं एरिथमेटिक रे आकु भी कोठी हिसाब जदि हबो ताले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगे कि सॉल्व करबाटा सबटु इजी लागे बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दे यूज दिस एलिमिनेशन प्रोसेस विच टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम तो ए तीनटा प्रोसेस ला हम सॉल्व करिवार किंतु आउ गोटे प्रोसेस भी आम सीखी ग्राफ रे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी सेटा भी आम सीखी तो ताऊपर को आम धीरे धीरे जावा तो ये आम खाली क्लीयर हो पारे सॉल्यूशन ऑफ साममल्टेनियस लिनियर इक्वेशन माने इक्वेशन जो वेरिएबल यूज होते से वेरिएबल मानकर वैल्यू बाहर करा एबे सबुठ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये जो एक्स आउ वाई जो बाहर ट्राई टू अंडरस्टैंड तो बाहर कला बेले 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 कौन हुए एक्स आउ वाई वैल्यू इनफिनिटी बाहरी जाए इनफिनिट नंबर दैट मीनस एमती बहुत वैल्यू बाहर एक्स वाई रोटा इक्वेशन को सैटिस्फाई कर आम डिटेल आगे डिस्कसन करुच बेले बेले कौन हुए गोटे ही सल्यूसन बाहर जमी इक्वेशन को जब आम सल्व कले ये फाइव आउ थ्री बाहर तीन पंजा पंदर सरी छ लिखी दिशी अठर तीन पंजा पंद्रह तीन अठर पाँच माइनस तीन दुई एटा गोटे ही सल्यूसन तो बेले बेले कौन हुए इनफिनाइट सल्यूसन बाहर बेले बेले सल्यूसन एक्चुअली बाहर तो सहीटा सबुठ इम्पोर्टेंट एसओ दृष्टि जोटा कि एग्जाम आसे दुईटा इक्वेशन दे थोड़ा एमती कौ कंडीशन अच्छे कि जो कंडीशन में तार इक्वेशन बाहर दुईटा इक्वेशन दे थोड़ा एमती कंडीशन इलाबोरेट बाहर कर जो तमें तार नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफिनिट जाए पलैब मैंने बहुत ही सॉल्यूशन बाहर विल डिस्कस दैट नो तो एबे हमें जस्ट टिके आगु डिस्कशन करूले गोटे इक्वेशन जो आम सॉल्व करूचे तार सॉल्यूशन तीनटा टाइप रही पारे कौन कौन तीनटा टाइप रही पारे आइदर सॉल्यूशंस यूनिक हो पारे दैट मीन्स गोटे सॉल्यूशन बाहरी पारे आइदर सॉल्यूशंस बहुत बाहरी पारे इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन बहुत सॉल्यूशन बाहरी पारे नहले सॉल्यूशन बाहरी न भी पारे या तो गोटे सॉल्यूशन बाहर नहले बहुत सॉल्यूशन बाहर नहले बाहर तो गोटे केस बाहर जो थी कि सॉल्यूशन बाहर ना एंड एटा जदि आम पाईगले ये कंडीशन बा यही जो पेयर ऑफ इक्वेशन यही सिस्टम ऑफ साममल्टेनियस लिनियर इक्वेशन दे आर सेट टू बी इनकनसिस्टेंट आउ थरे रिपीट करी कहबी जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आम सॉल्व कले से आम तार सॉल्व करी पारिबानी दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज नोन एज द इनकनसिस्टेंट सिस्टम दैट इज द इनसॉल्वेबिलिटी दैट इक्वेशन आर नॉट सॉल्वेबल एठी दे दीटा केस रे सॉल्यूशन बाहर जी गोटे केस रे यूनिक बाहर जी गोटे केस रे बहुत सॉल्यूशन बट सॉल्यूशन तो बाहर जी सो दिस सिस्टम इज नोन एज द कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन
एंड डेफिनेशन लिखाई थी कंसिस्टेंट ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एटलीस्ट वन सॉल्यूशन एंड ए सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लिनियर इक्वेशन इज सेड टू बी इनकनसिस्टेंट इफ इट हैज नो सॉल्यूशन। एबे देखिबा व्हाट आर द कंडीशन ऑफ दिस कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी रो दीटा सॉरी दीटा कंडीशन गोटे यूनिक पाई गोटे इनफाइनाइटली मेनी पाई मुटी कंडीशन लिखिबी दीटा इक्वेशन कौन कौन आम जानजे ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वाल टू जीरो एनादर वन इज ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वाल टू जीरो एटा ही इम्पोर्टेंट एबे जो आम पढ़ा ए इक्वेशन टा कंसिस्टेंट हेबो एवं तार सॉल्यूशन यूनिक हेबो जेते बेले ए वन बाय ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हेबो बा मेनी सॉल्यूशन आमे खाली कहि पारिबा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हेबो जेते बेले ए वन बाय ए टू इज इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू हेबो एंड इट डजंट हैव एनी सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन जेते बेले ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू हम बॉडी ए सी वन बाय सी टू संगे समान हेबनी एटा बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एटा बहुत इम्पोर्टेंट आम पाई मन रखिया पई ए सो दृष्टि रु आमे डिस्कशन करिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिति आसे मु एग्जांपल भी नै जे पारिबी यूनिक सॉल्यूशन में किसी भी एग्जांपल हमें नहीं पारा लेट एक्स प्लस वाई इक्वल टू एट एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू एट आम एटा सॉल्व करवा आम पाई एक्स आउ वाई वैल्यू इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू जमी फाइव एक्स प्लस वाई प्लस थ्री इक्वल टू जीरो एंड टेन एक्स प्लस टू वाई प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो ये आम देखिले फाइव बाय टेन इक्वाल टू टू वाई कोफिशिएंट वन बाय टू इक्वाल टू टू थ्री बाय सिक्स इक्वाल टू दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द सेकेंड टाइप इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बट दिस टू आर द कंसिस्टेंट मन रखिबारे जी कंसिस्टेंट इनकनसीस्टेंट इनकनसीस्टेंट केवल गोटे केस रे जोटि कि ए वन बाय ए टू इक्वाल टू बी वन बाय बी टू बट सुड नॉट बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू नो सॉल्यूशन ये आम कहदे पारा लेट दिस इज इक्वल टू एक्स प्लस टू वाई प्लस फोर इक्वाल टू जीरो एंड मुझे लिखिपारि थ्री एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस फाइव इक्वाल टू जीरो चेक कले वन बाय थ्री इक्वाल टू थ्री टू बाय सिक्स इक्वाल टू थ्री फोर बाय माइनस फाइव इट इज नॉट इक्वल टू सी वन बाय सी टू तो एग्जांपल आम बन पार बट दिस इज वेरी इंपोर्टेंट सो लेट्स मूव फॉर द नेक्स्ट जोटा मुझे कहती आम सल्यूसन स्कूल पढ़ी थे मेट्रिक क्लास कि आम ग्राफिकाली भी आम सल्व करदी आमे गोटे इक्वेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा गोटे इक्वेशन ए सिस्टम ऑफ इक्वेशन को दैट मीन दीटा इक्वेशन को ताले को भाया फिगर आसो फास्ट जिनस तो आमको जानवर अच्छी कौन सी भी लिनियर इक्वेशन को कौन सी भी लिनियर इक्वेशन को जदि आम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करवा ये गोटे सिंगल स्ट्रेट लाइन हो ट्राए टू अंडरस्टैंड तो जदि मु दुईटा इक्वेशन को जदि मु रिप्रेजेंट करी पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन चाहे ये सिंगल वेरिएबल हो गोटे वेरिएबल हो कि दुईटा वेरिएबल हो ये सब स्टेट लाइन हे ताले टू स्टेट लाइन हे तो जदि गोटे ग्राफ पेपर रे ट्राए टू अंडरस्टैंड जदि गोटे ग्राफ पेपर रे मु दुईटा लाइन ड्र कली ताले कंडीशन कौन आसी पारे आइदर दुईटा जाक लाइन इंटरसेक्ट हो जाए नहले केही का संगे इंटरसेक्ट हेबेनी केही का संगे इंटरसेक्ट हेबेनी माने पैरेलल एमती हे पारंती मे भी गोटे लाइन उपरे गोटे मर्ज कोइंसिडेंट हे पारे एटा गोटे लाइन थिला आ गोटे लाइन मु बड ड्र कला को ता भितरे हे पळे पारे मे भी कोइंसिडेंट हे पारे तो व्हेन टू लिनियर इक्वेशंस आर रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली दैट मींस आउट ऑफ दिस थ्री एनी वन विल बी द पॉसिबल डायग्राम नेक्स्ट स्लाइड आम डिस्कशन करवा कौ भाया डायग्राम एवं जितेबले इंटरसेक्ट करेंगे ट्राए टू अंडरस्टैंड ताले गोटे सॉल्यूशन पैरेलल जदि हे माने कौटि भी इंटरसेक्ट करें कौटि भी इंटरसेक्ट करें जदि कोइंसिडेंट करेंगे गोटे उपरे गोटे मर्ज हो
ग्राफिकली सॉल्यूशन आम कौटा कही पार कौटा से एक्स वाई पॉइंट हम जिते बड़े आम दीटा लाइन को रिप्रेजेंट करुचे ग्राफिकली जो इंटरसेक्ट करेंगे ये जो पॉइंटा ये देखा ये लाइन रे भी अच्छी लाइन रे भी अच्छी दैट मीन द कमन पॉइंट ऑफ दिज टू लाइन्स आर नोन एज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एटी जो आम नहीं एटा जो नहीं जो थ्री एक्स एटा जो फाइव आउ थ्री जदि ये दुटा लाइन को जो रिप्रेजेंट करी ये फाइव आउ थ्री पॉइंट बाहर बेले बेले जो यार सल्यूसन पैरेलल बढ़े जिते दूर आम एक्सटेंड कले भी कौटी मीट करे गोटे उपरे गोटे बेले मर्च होदी मर्च होमें कौन पढ़ले ना भितर जो कमन पॉइंट थी दैट विल बी द सल्यूसन बट जो गोटे उपरे गोटे कोइनसीडेंट करेंगे तो बहुत से पॉइंट एमती बाहर एमती बहुत से पॉइंट बाहर जोटा कमन थी बहुत से पॉइंट सो दिस इज द इनफाइनाइट सॉल्यूशन बाहर तेल आम कहीपर इंटरसेक्ट करार कंडीशन जहाँ यूनिक सॉल्यूशन रो कंडीशन से पैरेलल रो कंडीशन माने नो सॉल्यूशन कोइंसिडेंट रो सॉल्यूशन माने इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन मुझे लिखिपारि इंटरसेक्ट जदि करेंगे इन दिस केस ए वन बाय ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू पैरेलल जदि हेबे ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू एंड कोइंसिडेंट हेबे ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू दिस टू आर द सिस्टम ऑफ द कंसिस्टेंसी दिस आर नोन एज द इनकनसिस्टेंट सिस्टम जस्ट लिंक आमको करिवार अछि टोटल को यदि आम समराइज करद बोथ को एलजेब्रिक आम जो पढ़ले ए कंडीशन सेमली आम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करदे तेल बहुत क्लीयरली आम ये डायग्राम पाइज सॉरी समराइज मुझे करुचे ग्राफ या लिखीदे ये इंटरसेक्टिंग लाइन्स एंड दिज आर द इंटरसेक्टिंग लाइन रि कंडीशन कौन आसी आम लिखापी जब चाहे कौन आसमें लिखा चाहे ना ए वन बाय ए टू शुड नॉट बी इक्वल टू बी वन बाय बी टू जदि पैरेलल लाइन रो कंडीशन आम लिखा चाहे ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू शुड नॉट बी इक्वल टू सी वन बाय सी टू यहाँ कोइंसिडेंट लाइन यहाँ दुटाक लाइन एक्चुअली गोटे रिप्रेजेंट हो तो ये आम कौन लिखिपर ए वन बाय ए टू इक्वल टू बी वन बाय बी टू इक्वल टू सी वन बाय सी टू दिस इज द कंडीशन वीडियो में भी लेंदी हो पारे टे लंबा हो बट आम डिटेल पढ़ा एबे आउ गोटे कंडीशन क्वेश्चन बेले बेले आसे जे परपेंडिकुलर जदि दुटा लाइन परपेंडिकुलर अच्छा दैट मीन दे आर इंटरसेक्टिंग ए 90 डिग्री दैट मीन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स सो ये भी यूनिक सॉल्यूशन एका जो पॉइंट रे इंटरसेक्ट करेंगे तो कंडीशन एटी तो ए आएगा ए वन बाय ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन बाय बी टू हम बट ये कंडीशन ऑफ द इंटरसेक्शन इंटरसेक्ट करिया में कंडीशन बट स्पेशल कंडीशन अच्छे कि बेले बेले परपेंडिकुलर भी हो जाए केते बेले परपेंडिकुलर हम मुझे डिराइव करी आम डिटेल्स पढ़ा स्लोप कौन कौ लाइन रो स्लोप के आम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कशन करवा तो यही केस रे मु केवल डिस्कशन करुची ये गोटे इक्वेशन जदि मु ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो नेले एदार स्लोप केते हेबो स्लोप कौन केते कौन आम डिटेल कोऑर्डिनेट जमी डिस्कशन करवा गोटे इक्वेशन रो जनरल फॉर्म जदि मु वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आकार लिखे देन दिस एम इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन इताको जदि मु एबे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आकार लिखिया पई चाहिबि बी वाई इक्वल टू केते हेबो माइनस एक्स माइनस सी वाई इक्वल टू ताले केते हेबो माइनस ए बाय बी एक्स माइनस सी बाय केते हेबो बी तो ये बहुत क्लियरली जना पड़ुछि जो माइनस ए बाय बी इज नोन एज द स्लोप ऑफ द लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी ताले जदि ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो नवा ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो नवा यार स्लोप के माइनस ए वन डिवाइडेड बाय बी वन एंड ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल जो आम जीरो नवा यहाँ केपर माइनस ए टू बाय बी टू तो दीटा इक्वेशन सॉरी दीटा लाइन जिते बड़े परपेंडिकुलर हो जाए देन दे आर स्लोप रो प्रोडक्ट
सुड ऑलवेज बी इक्वल टू माइनस वन। एटी प्रोडक्ट एटी इंटू करिबा एटी दीटा स्लोप एटी किए की होची माइनस ए वन बाय बी वन इंटू माइनस ए टू बाय बी टू इक्वल टू माइनस वन। इट इम्प्लाय दैट केते हेबो एटी ए वन ए टू इज इक्वल टू माइनस बी वन बी टू। इट इम्प्लाय दैट ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू इज इक्वल टू जीरो। तो आम ए टोटाल चारिटा कनसीडर कर पारिबा गोटे हला खाली इंटरसेक्ट करवाटा गोटे इंटरसेक्ट विथ परपेंडिकुलर हे गोटे पैरेलल हे गोटे कोइंसिडेंट हे आमको आगे मन रखा पड़ो माइंड रे कारो क्वेश्चन आसी थाई पारे ये कनसीस्टेंट हम कि इनकनसीस्टेंट दिस इज डेफिनेटली द कनसीस्टेंट सिस्टम। कौन पाई ये माने गोटे सॉल्यूशन हे परपेंडिकुलर हेले माने सॉल्यूशन न बाहर माने इनकनसीस्टेंट केवल गोटे ही कंडीशन दैट इज पैरेलल टा केवल हम इनकनसीस्टेंट हो जीवो। नेक्स्ट को जीवा आमे टोटल को यदि समराइज यदि करिबा ये जो आम जो कंडीशन पढ़ले बहुत ग्राफिकल एंड अलजेब्रिकली आम जो कंडीशन माने पढ़ले तो ये टोटल को आम गोटे स्लाइड सफिसीयंट ए सो पई कनसीस्टेंट केते बेले हेबो दुईटा केस रे सॉरी तीनटा केस रे गोटे हला इंटरसेक्ट एंड परपेंडिकुलर आ गोटे हला इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आ इनकनसीस्टेंट केते हेबो जेतेले पैरेलल हेबे पैरेलल हेले एटा गोटे नॉट इक्वल टू हो जाऊ जोटा कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन रे सी भी एक्चुअली इक्वल टू हो जाए। सो मोर आशा कि इतकी दूर समस्त क्लियरली एक्चुअली बुझी पारिथे दिस इज द थ्योरी।